आज हम फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री के अवकलन समीकरणों को ऐसे समीकरणों का हल करेंगे जो समीकरण होमोजीनियस हो। तो होमोजीनियस समीकरण का मतलब इसमें एक्स वाई दोनों की पदें पावर समान हो। तो ऐसे समीकरणों को हल करने के लिए क्या तरीका अपन काम में लेंगे, इसके लिए एग्जांपल फर्स्ट वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स वाई डी वाई अपॉन डी एक्स। तो सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड सकल में लिखने के लिए डी वाई डी एक्स वाले एक तरफ कर दिए बिना डी वाई डी एक्स का एक तरफ, और इन दोनों में से डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन ले लिए तो डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर। ये देख रहे हैं ये होमोजीनियस समीकरण है। समघात, समघात का मतलब इसमें सभी पदों की घातें समान, ऊपर भी दो और इन दोनों की मिला के एक और एक दो और यहाँ पर भी दो। तो ऐसे सवालों को हल करने के लिए पुट वाई इज इक्वल टू वी एक्स, जैसे ये पुट करेंगे तो इसका अवकलन करेंगे इधर लेफ्ट में वाई का डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू राइट में यू इंटू वी के फार्मूले से। तो फर्स्ट वी ऐसे कैसे एक्स का अवकलन वन प्लस एक्स ऐसे कैसे वी का अवकलन डी वी डी एक्स, और ये दोनों मान समीकरण दो और तीन से समीकरण एक में पुट करने पर, समीकरण एक में दो व तीन के मान रखने पर, तो डी वाई अपॉन डी एक्स की जगह वी प्लस एक्स डी वी डी एक्स इज इक्वल टू यहाँ पर वाई की जगह वी एक्स ये मान रख दिए। और इसके बाद में ऊपर से एक्स एक्स कॉमन आ करके यहाँ कट जाएगा और ये प्लस वी को राइट में ले जाएंगे माइनस वी हो जाएगा। एक्स डी वी डी एक्स इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन वी माइनस वन माइनस वी, और अब यहाँ पर दोनों में एलसीएम ले लेंगे वी माइनस वन तो एक वी स्क्वायर कट जाएगा ऊपर केवल वी रह जाएगा। अब फिर इसमें चरों को अलग अलग करने पर डी एक्स के साथ एक्स और डी वी के साथ में वी, और ये अपन देख रहे हैं कि यहाँ पर डी वी के साथ में वी है और डी एक्स के साथ में एक्स, और दोनों का अलग अलग इंटीग्रेट तो इसको अलग अलग कर देंगे। तो ये वन माइनस वन अपॉन वी डी वी इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स, वन का इंटीग्रल वी और वन अपॉन वी का इंटीग्रल लॉग वी और वन अपॉन एक्स का इंटीग्रल लॉग एक्स प्लस कॉन्स्टेंट लॉग सी इसमें ऐड कर दिया, और ये इस माइनस लॉग वी को राइट में ले जाएंगे प्लस लॉग वी हो जाएगा और ये लॉग लॉग तीनों इकट्ठे हो जाएंगे तो लॉग एक्स सी वी, और यहाँ पर वी का मान रख देंगे वाई अपॉन एक्स, तो वी का मान v की जगह y अपॉन एक्स, और ये x x कट जाएगा सी एक्स, और यहाँ पर भी v की जगह y अपॉन एक्स, तो y अपॉन एक्स इज इक्वल टू लॉग सी वाई, और सी वाई इज इक्वल टू ये लॉग कट करके इधर e की पावर में चला जाएगा। ये आंसर है।